सखीरे नव दिन सखीरे माई के नामा जपे लागिन दिन सखीरे भोर में मंदिर के खोले के बारी सखी पियाबा पुजारी आय हाय भोर में मंदिर के खोले के बारी सखी पियाबा पुजारी आय हाय रे सखी पियाबा पुजारी सिया सवारे में तर करिए तनी जरल बा तर करिए तनी जरल बा और देवरा दुश्मन मारे बेलनवा खींच के मरले बा। अभी मेरे साथ करिश्मा कक्कर मौजूद है। आप सभी को पता है कि दशहरा का महीना चल रहा है और सारे लोग नवरात्रि में मां भक्ति के लीन में डूबे हुए हैं। उसी को लेकर एक देवी मां पे एक बहुत ही खूबसूरत गाना गाई है जो आप सभी को सुनाएंगे कि किस तरीके से उस गाने पे इनको खूब प्यार मिल रहा है और वायरल भी चल रहा है। सबसे पहले करिश्मा जी आपका स्वागत है। डीडीसी न्यूज पर जितने लोग देखने और सुनने वाले हैं सभी को पैर छूकर प्रणाम करता नहीं। अच्छा, माता देवी पे इस नवरात्रि में जो भक्ति आपका सॉन्ग वायरल हो रहा है उस गाने का बोल जो है थोड़ा सा पहले दर्शकों को सुनाइए। पियावा पुजारी हाँ। सुनाइए कि रहेलीन सखी रे नव दिन सखी रे माई के नामा जपे लागिन गिन सखी रे भोर में मंदिर के खोले के बारी सखी पियाबा पुजारी आय हाय रे सखी पियाबा पुजारी आय हाय रे सखी पियाबा पुजारी। अच्छा, यही आपका गाने का बोल है। अच्छा, कैसे लगा कि पिया जी पुजारी हैं, एकदम सुबह में जगते हैं और पूजा करने निकल जाते हैं गेट खोल के, यही ना है? हाँ, अच्छा, हमेशा से माँ को हम लोग मानते हैं। अच्छा, सुर से पूजा पाठ करते हैं माता देवी की, पूजा आप लोग करते हैं? हाँ, हमेशा करते। अच्छा, अभी दशहरा का महीना चल रहा है। हाँ। तो इसलिए आपको लगा कि एक भक्ति गाना भी देते हैं, लोगों को सुनते हैं कि नहीं, प्यार मिला कि नहीं मिला? सभी लोग का यही डिमांड था कि आप पिया दुलारी सॉन्ग पर एक भक्ति सॉन्ग लाइए, एकदम जैसे ऐसा ही एकदम लाइए भक्ति सॉन्ग। तो हम भी बोले कि आप लोग जो सॉन्ग मांगे वो सॉन्ग देंगे। हाँ। अगर अच्छा सुनेंगे तो अच्छा सुनाएंगे, गलत सुनेंगे तो गलत सुनाएंगे, नहीं तो पब्लिक को अच्छा ही सॉन्ग अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा ही लगता है। हाँ। जो लोग बोलते हैं कि नहीं हमको गलत सॉन्ग लोग मांग रहे हैं, वो लोग नहीं सुने तो अच्छा है, वो लोग नहीं सुने तो अच्छा है। हाँ। अच्छा, इस गाने का जो अंतरा है उसको सुनाइए। निमिया तोरे झूलना वाला गा के और जी करे हमके संगे बैठा के, निमिया तोरे झूलना वाला गा के बिनती करे हमके संगे बैठा के, दोनों परन मिले आरती उतारी सखी पियावा पुजारी आए हाय रे सखी पियावा पुजारी। अच्छा, आप सखी से बोल रहे हैं कि मेरे पुजारी पुजारी? हाँ, सखी पियावा पुजारी। अच्छा, माता देवी के आप लोगों को आशीर्वाद भी लग गया है, गाना भी चल रहा है। हाँ, उन्हीं का देन है। नवरात्रि सॉन्ग भी, नवरात्र भी चढ़ गया है और देखिए इसी में मेरा सॉन्ग भी बज रहा है। सॉन्ग वो चल गया। पूजा वूजा माता देवी के करती है? हमेशा करते हैं। अच्छा, रोज करती है? अच्छा, व्रत भी करते हैं? अच्छा, व्रत भी करते हैं, तो हो सकता है इसलिए गाना चल गया, अब उन्हीं का आशीर्वाद है। अच्छा अच्छा, इस गाने के बाद आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं? जो भक्ति गाना गाई है घर वाले सुने होंगे, गांव के अगल बगल की सुने होंगे, क्या बोलते हैं कि करिश्मा कैसी गाना है? वो लोग भी देखते हैं गाने और वो लोग भी बहुत खुश हैं कि माता रानी का आप पर आशीर्वाद लग रहा है, लग गया और आपका गाना बज रहा है। इसी तरह माता रानी करें, आपका हर एक सॉन्ग बजे। अच्छा, वो लोग भी दुआ मांग रहे हैं माता रानी से, गाना बजेगा? हाँ। अच्छा, इसलिए आप गा भी रही हैं? हाँ, मैं तो सुर से ही जैसे सुर से गाती हूँ और गाते समय जैसे पहले नहीं सपोर्ट करते थे और मगर अब कर रहे हैं और अब एकदम कर रहे हैं। अब कर रहे हैं। अब एक और मेरा सिंगल सॉन्ग है और भी उस गाने को भी पब्लिक बहुत ही प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं कि अरे खाना बनावे में खता हो गई देहिया के हमारे घटा हो गई केसिया सवारे में तर करिए तनी जरल बा तर करिए तनी जरल बा और देवरा दुश्मन मारे बेलनवा खींच के मरले बा और देवरा दुश्मन मारे बेलनवा खींच के मरले बा।
आप क्या संदेश देना चाहती हैं महिलाओं के जी? उनका जो देवा है बहुत बेहुदपन है, उड़न आदमी है ना। अब वही मान लीजिए, मतलब देखिए कि ये महिलाओं को ये संदेश देना चाहती है, जो महिलाओं का देवर देवर होता है वो उड़न है, बेलना खींच के मार रहा है, यही ना। हाँ। अच्छा, अगर ऐसा ही आपके साथ हो जाए तो सह लेंगे बेचारी, क्या करेंगे, पति को बोलेंगे नहीं देवर जो है उड़ंडे है। तो यही है कि मतलब इनका कहना का मतलब कि आप सही और सही सलामत से घर में रहिए, यही ना कहना चाहती है। चलिए, और बाकी जो मेरा प्रयास है करिश्मा जी के साथ कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और माता रानी का आशीर्वाद इन पे लगते रहे कि ताकि इनका शादी भी जल्द से जल्द अच्छे लड़के से किसी हो जाए। जय हिंद।